अमेरिका के इतिहास का सबसे काला दिन 9/11 की वो घटना जिसे सुनकर आज भी अमेरिका के लोग खौफ में आ जाते हैं। उसे अंजाम देने वाला ओसामा बिन लादेन, अलकायदा का प्रमुख और एक वक्त में दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी ओसामा बिन लादेन, जब तक जिंदा रहा तब तक उसका खौफ इतना था कि पूरी दुनिया उसके पागलपन से डरती थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब उसी अमेरिका ने ओसामा को उसी के घर में घुसकर मौत के घाट उतार दिया था और अपने देश पर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले का बदला ले लिया था। लेकिन अमेरिका के लिए भी ओसामा बिन लादेन को ढूंढना और उसे मौत के घाट उतारना इतना आसान नहीं था। अमेरिका को ऐसा करने में पूरे 10 साल का समय लग गया था दोस्तों। तो आखिर कैसे की गई थी ओसामा को मारने की पूरी तैयारी, जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। ओबामा के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने अपने कार्यालय में अमेरिका के लिए जो कुछ भी किया उसमें अगर टॉप 10 की लिस्ट बनाई जाएगी तो ओसामा को मारना भी जरूर शामिल किया जाएगा, क्योंकि राष्ट्रपति बनने के बाद ओबामा ने साल 2009 में अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी CIA और लादेन को ढूंढने में लगी हर एक एजेंसी से यह साफ कह दिया था कि अब से सारी एजेंसी का मुख्य टारगेट लादेन होना चाहिए और उसके हर 30 दिन का प्रोग्रेस रिपोर्ट चाहिए होगी। ओबामा की इस बात को देश के एजेंसी ने गंभीर रूप से लेना शुरू कर दिया था और इसके साथ ही अलकायदा का प्रमुख लादेन को ढूंढने की कवायद बहुत तेज हो गई थी। अगले साल यानी साल 2009 में 9/11 की 9वीं वर्षी के कुछ दिन पहले CIA के प्रमुख ने ओबामा से एक मुलाकात के लिए आग्रह किया। ओबामा ने उनके और उनकी टीम के साथ एक मीटिंग की जिसमें CIA के प्रमुख ने उनसे यह बताया कि अभी हमारे पास ओसामा के खिलाफ बहुत ही शुरुआती सुराग मिले हैं, जिसमें उन्होंने अलकायदा के एक आतंकी को ढूंढ निकाला है जिसका नाम अबू अहमद अल कुवैती है, जो अमेरिका में रहते हुए अलकायदा को इन्फॉर्मेशन भेजता है। इसी वजह से उसका ओसामा के साथ काफी करीबी संबंध है। उन्होंने ओबामा को आगे बताते हुए कहा कि उनकी टीम ने जब इस आतंकी के फोन पर कई दिनों तक निगरानी रखी तो उन्हें जो पता चला इसके हिसाब से पाकिस्तान के इलाहाबाद से 35 किलोमीटर दूर अबोटाबाद में किसी इंसान से बात करता है। लोकेशन को एग्जैक्टली ट्रैक करने पर यह पता चला कि वहाँ एक बहुत बड़ा अलकायदा का आतंकी रहता है, क्योंकि वहाँ का एक घर आसपास के सभी घरों से बड़ा है और उसकी कीमत भी करोड़ों रुपए के करीब है। शायद CIA का शक इसी बात से और बढ़ गया। इस घर के बारे में एक पूरी टीम डिटेल्स इकट्ठे करने में जुट गई। जानकारी को जब और करीब से देखा गया तो उस घर में ओसामा बिन लादेन की होने की पुष्टि सामने आई। अब अमेरिका के पास उसके सबसे बड़े आतंकी दुश्मन का पता था। अब आगे का काम यही था कि उस घर में मौजूद ओसामा को कैसे मारा जाए। यहाँ से अब राष्ट्रपति ओबामा की चिंता और बढ़ गई, क्योंकि उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे। उनमें से पहला यह था कि अमेरिका उस घर के ऊपर एयर स्ट्राइक करके उस घर को पूरी तरह से तबाह कर दे। लेकिन इस विकल्प के साथ सबसे बड़ी समस्या थी वो यह थी कि ऐसा करने के बाद वो इस बात को कैसे साबित करेंगे कि उस घर में ओसामा बिन लादेन ही था। और दूसरा विकल्प यह था कि राष्ट्रपति ओबामा की टीम ने उस पूरे घर का 3-डाइमेंशनल डिजाइन बनवाया और विलियम एच मैकग्रेवन ने राष्ट्रपति ओबामा को CIA उसके कुछ चुनिंदा सैनिकों को अफगानिस्तान से 1 या 2 हेलीकॉप्टर्स में रात के अंधेरे में उड़ान भरकर पाकिस्तान में मौजूद उस घर में लैंड करेंगे और वहां पाकिस्तान के किसी भी तरह के रिएक्शन से पहले ही लादेन को ढूंढकर मार देंगे। कुछ दिनों तक सोचने के बाद राष्ट्रपति ओबामा ने फोन करके दूसरे प्लान को अंजाम देने की अनुमति दे दी और साथ में यह भी कहा कि यह मिशन जल्द से जल्द कंप्लीट कर दो। 4 मई साल 2011 को ठीक रात 2 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने उड़ान भरी। उसमें CIA दल के 23 सदस्य सवार थे और उनके साथ एक पाकिस्तान ट्रांसलेटर भी मौजूद था। वहां पहुंचने के बाद टीम के सभी मेंबर्स घर में पहुंच चुके थे और लादेन को ढूंढने में लग गए थे और वहीं इस पूरे ऑपरेशन का लाइव टेलीकास्ट राष्ट्रपति ओबामा अमेरिका में अपने ऑफिस में बैठकर देख रहे थे और बाद में लादेन को गोलियों से छली छली कर दिया गया। बाद में जब यह बात ओबामा को पता चली तो ओबामा खूब खुश हुए। Because of securing our country
is not complete, but tonight we are once again reminded that America can do whatever we set our mind to. That is the story of our history. और सुकून की सांस ली। इसके बाद लादेन की बॉडी को हेलीकॉप्टर से ही अमेरिका लाया गया और उसे 150 किलो की लोहे की चेन के साथ लपेटकर उसे एक समुद्र में डाल दिया गया। आपको क्या लगता है कि अगर अमेरिका के इस मिशन की जानकारी अगर पाकिस्तान को लग जाती तो ओसामा बिन लादेन जिंदा होता? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, और अगर आप इंडिया इन्फो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ मज़ेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।